वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी खैरियत से होंगे, सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में जो है सैटरडे संडे दोनों दिन का मैं रूटीन शेयर कर और साथ साथ जो है वो मैं आपको काफ़ी सारे मॉम हैक्स दूंगी जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, उससे थोड़ी सी आपको आसानी हो जाएगी। बच्चे जो हैं वो आज सुबह एज़ यूजल जल्दी उठ गए थे जबकि वीकेंड था, लेकिन रात को जल्दी सो गए थे इस वजह से जो है जल्दी उठ गए थे। इस दफ़ा का वीकेंड हम लोग का बहुत बिजी था और बहुत सारे काम करने थे हमें, तो मैंने बस सुबह जल्दी उठी, मैंने बस इन लोगों के लिए पैनकेक्स वगैरह बना दिए थे, साथ में थोड़े फ्रूट्स वगैरह दे दिए थे। जब भी मेरा बिजी वीकेंड होता ना तो फिर मैं ये करती हूँ कि पैनकेक्स बना लेती हूँ जल्दी, ये लोग शौक से खा भी लेते, साथ साथ स्क्रीन टाइम दे देती हूँ तो फ़ौरन से जो है नाश्ता वाश्ता हो जाता है। अगर जो है आपका वीकेंड बिजी है और आपने काम करने हैं तो बच्चों को जो है उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट दे दें। जैसे हमारे प्लान्स होते हैं सैटरडे संडे के, ज़्यादातर सैटरडे को हमारा बाहर जाने का ही प्लान होता है, कोई काम होते हैं या घूमने फिरने का, तो मैं ये करती हूँ कि बच्चों को एक्टिविटी दे देती हूँ जैसे ही वो नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद में अपने अगर कपड़े निकालने होते हैं, कपड़े इस्त्री करने हैं, कोई और चीज़ें बाहर निकालनी वो कर लेती हूँ। हैक कह लें, टिप कह लें कि हमेशा मैं ये करती हूँ कि जब भी कहीं जाना होता है तो सबसे पहले खुद तैयार होती हूँ फिर बच्चों को तैयार करती हूँ। साथ आज जो है ना 5 मिनट से 10 मिनट्स तक का मेकअप रूटीन शेयर करती हूँ जो कि बहुत जल्दी हो जाता है। आपने बस फेस वगैरह वॉश करने हैं और उसके बाद जो भी स्किन केयर आप करते हैं सनस्क्रीन वगैरह वो लगानी है। अगर मुझे जल्दी वाला मेकअप करना होता है ना तो मैं फाउंडेशन ही लगाती, बस सिर्फ अंडर आइज़ के नीचे जो है कोई भी कंसीलर जो क्रीमी सा होता है ना वो लगा लेती हूँ, और इस तरह लगाती हूँ कि मतलब जहाँ जहाँ डार्क ज़्यादा स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, वहीं पर अप्लाई करके उसको ब्रश से स्प्रेड कर लेती हूँ। क्विक मेकअप के लिए जो है लिक्विड ब्लश यूज़ करती हूँ, हल्का सा डॉट लगा के उसको ब्रश से जो है स्प्रेड कर लेती हूँ। पूरी आईब्रो पेंसिल यूज़ करने की जगह मैं करती हूँ कि जैसे आईब्रो जेल होते हैं ना उससे अपनी आईब्रो सेट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी काफ़ी थिक हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड में जो है लिक्विड सा हाइलाइटर लगा लेती हूँ और उसको भी स्प्रेड कर लेती हूँ। अच्छा, रेगुलर बेस पे जो है आई शेडोज़ तो यूज़ मैं नहीं करती, लेकिन ये करती हूँ कि ब्रॉन्जर या कोई ब्राउन कलर लेके ना हल्का सा जो क्रीस होती है ना उसके ऊपर थोड़ी सी डेप्थ देने के लिए मैं लगा लेती हूँ, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। साथ ही बस कोई भी मैं लिप कलर लगा लेती हूँ या लिप ग्लॉस वगैरह लगा लेती हूँ, और आईलाइनर में करती हूँ बिल्कुल, कभी अगर जैसे मुझे क्विक वाला लगाना होता है तो पतला लगा लेती हूँ, वरना ये कि थिक सा लगा लेती हूँ। जैसे आईलाइनर आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है तो फिर बस ये करें कि आप हल्की सी जो आईलैशेस कर्ल करें और कोई भी मस्कारा लगा लें और मेकअप जो है आपका डन हो जाएगा। जब मैं खुद तैयार हो जाती हूँ उसके बाद जो है बच्चों को तैयार करती हूँ, वरना ये कि अगर पहले कर दो कपड़े पहना दो तो वो सारे गंदे कर लेते हैं, और ख़ास तौर पे जो छोटा वाला है मेरा वो तो बिल्कुल नीचे लेटना शुरू हो जाता है, तो फिर मैं करती हूँ सबसे एंड में उसको तैयार करती हूँ और जब बिल्कुल जाने का टाइम होता है तब रेडी करती हूँ। नेक्स्ट जो टिप है ना वो ज़्यादातर बाहर जाने के लिए है कि आप घर में पहले से स्नैक्स वगैरह बाय कर लें जो भी बच्चों को पसंद है, अलग से जो है बैग्स बना लें। जैसे बच्चों को मेरे गोल्ड फिश पसंद है तो मैं छोटे जो है रियूजबल बैग्स में बना लेती हूँ दोनों के, ताकि लड़ाई ना हो। जब भी हम लोग बाहर जाते हैं और फिर ये होता है कि थोड़ी देर के बाद टेंट्रम्स शुरू हो जाते हैं, तो मैं कुछ ऐसे जो है गुडी बैग्स बना लेती हूँ जिसको देख के बच्चे खुश हो जाएं। अगर हम लोगों ने ज़्यादा जगहों पे जाना होता है या फिर लंबा रास्ता होता है ना, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, रास्ते के लिए कोई एक्टिविटीज़ रख लेती हूँ, कोई टॉयज़ वगैरह जो भी उनके आजकल फेवरेट चल रहे होते हैं ना, तो मिशाल अपने खुद रख लेती है, नोआ के लिए मैं रख लेती हूँ। जैसे ही निकले तो मिशाल जो है सैड हो गई, उनका जो है दांत जो है वो बिल्कुल हिलना शुरू हो गया था और वो टूटने वाला था, तो उनको इतनी परेशानी थी कि अगर रास्ते में टूट गया तो हम दांत का क्या करेंगे। खैर, हम आखिरकार निकल ही गए थे काफ़ी तैयारी के बाद, तो मुझे पहले जाना था आइकिया, कुछ चीज़ें पिक करनी थी, ऑनलाइन मैंने ऑर्डर कर दिया था और बस वहाँ जाके जो है मुझे बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा, फ़ौरन से जो है मुझे चीज़ें मिल गई। स्टेप मेरी यही है कि अगर जैसे आपने शॉपिंग करनी है और जितनी चीज़ें आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं तो वो आप कर लें, क्योंकि होता ये है कि पिकअप करना आसान होता है और मॉल में जाके बच्चों के साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल होता है, तो वहाँ जाके वो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, बात नहीं सुनते। मेरे बच्चों का यही है, ख़ासतौर पर मिशाल का, जब भी बाहर जाती हैं उनको कोई बहुत अच्छी चीज़ नज़र आए तो मामा ये बाय कर लेते हैं, ये बहुत प्यारा है, ये टॉय ले लेते हैं, तो मैंने हल निकाला है कि बाहर जाते हैं या तो स्नैक्स होते हैं मेरे पास, या मैं इन लोगों को बलून्स दिला देती हूँ या कुछ ऐसी कोई चीप चीज़ दिला देती हूँ जिससे ये कि काफ़ी देर तक इन्जॉयमेंट होती रहे। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि जब बच्चे खेल लेते हैं, थोड़ा थक जाते हैं, तो उसके बाद हम लोग अगर प्लान होता है लंच करने का तो हम लोग कहीं चले जाते हैं, लंच कर लेते हैं रेस्टोरेंट में जाके या कहीं भी खाने जाते हैं ना, तो मिशाल तो उतना तंग नहीं करती, ये नोआ जो है इसको एक जगह नहीं बैठा जाता, तो मैं ये करती हूँ कि इसको जब तक खाना एक बंदा ऑर्डर कर लेता है, एक बंदा बच्चों के साथ रहता है, और फिर ये करती हूँ कि इसको जो भी एक्टिविटी करनी होती है ना, भागना होता है इधर उधर, मैं करने देती हूँ।
कुछ चीज़ें मैं पर्स और हैंडबैग में रखती हूँ, कलरिंग का कोई सामान हुआ, कोई एक्टिविटी तो मिशाल भी कर लेती है, कभी कभी नो इंटरेस्टेड होते हैं तो वो भी कर लेते हैं जब तक खाने का वेट करते हैं, वरना तो फिर ये होता है कि जो है वो टेंट्रम शुरू जाते हैं और फिर इधर उधर भागना शुरू जाता है। वो माशाल्लाह से पहले बहुत अच्छा इसकी डाइट थी और सब कुछ खाता था, अब इतना ज़्यादा पिकी हो गया था। अब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं अब जो हूँ ना वो इतनी टेंशन नहीं लेती, जो उसको पसंद है जो ही खाना चाहता है ना बस वही ऑर्डर करती हूँ। सैटरडे तो हमारा बाहर के कामों से इतना बिजी था तो बस हम लोग लंच वगैरह करके घर आ गए थे, थोड़ा रेस्ट किया था। संडे को ज़्यादातर मैं कोई प्लान्स नहीं बनाती बाहर के, ज़्यादातर अगर पिकअप कुछ करना होता है तो सही है, वरना ये है कि घर में रहती हूँ, मील प्लानिंग मील प्रेप करनी होती है, बच्चों को जो है वो फ्री टाइम दे देती हूँ। अच्छा, आइकिया से जो है मैं ज़्यादातर बिन्स वगैरह लिए थे, उसके अलावा कुछ चीज़ें अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर की। इसका जो है स्कूल का प्रोजेक्ट एक हमने बनाना था तो फिर मैंने सोचा कि जो है इसकी सारी स्कूल की क्राफ्ट्स की चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। कुछ मार्कर्स वगैरह थे, इसके लिए जो है स्कूल का एक बॉक्स बनाना था तो वो चीज़ें जो है उसके लिए भी मैंने कहा कि चलो सब चीज़ें एक जगह पर रखी हुई होंगी तो मुझे हर चीज़ मिल जाएगी और प्रोजेक्ट बनाने में आसानी होगी। बिन्स मैंने इसलिए लिए थे और ऐसे लिए थे जिसकी लिड्स भी हों और जो है थोड़े से डीप हों, वो इसलिए ताकि बच्चों के पेंट्स कलर्स और जो भी फाइल सिस्टम है वो कर लूँ। स्कूल के काफ़ी सारे पेपर्स होते हैं, उनको भी मैंने कहा ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। ऐसे ही मैंने सब निकाल के बैठी तो मिशाल जो है बहुत एक्साइटेड हो गई कि वो हेल्प करनी थी उनको, तो फिर मैंने उनको समझाया कि किस में कौन सी चीज़ रखनी है। उससे बड़ा वाला बॉक्स था, उसमें अच्छी खास से जो डीप था और उसमें जगह थी, उसके अंदर जो है पिछले क्लास की जो है कुछ सेंटिमेंटल चीज़ें थीं, मिशाल ने हमारे लिए मदर फादर्स डे पे बनाया था वो मैंने रखा था। वर्कबुक्स थी और इसके अलावा ये मैं बाय करती हूँ हमेशा, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, फर्स्ट डे ऑफ दिस और बर्थडे का, तो इसको रब करती रहती हूँ और बार बार यूज़ कर लेती हूँ। तो ये कुछ काम करने बैठो ना तो सबको जो है वो फिक्र हो जाती है कि मम्मा जो है वो क्या करें कुछ इंटरेस्टिंग, तो हम भी जो है वो काम कर लेते हैं। जो दो बॉक्स थे जो भी दरमियाने साइज़ के थे वो थोड़े डीप भी थे, तो इसको मैंने इसलिए बाय किया था कि इसके अंदर प्लेडोज और स्लाइम वगैरह रख सकती हूँ और इन लोगों के कलर पेंट होते हैं, कुछ फिंगर पेंट्स हो गए या जो प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होते हैं। मैं आपके साथ टॉडलर एक्टिविटीज़ और बड़े बच्चों की भी एक्टिविटी शेयर करूँगी, तो मैं इसके बहुत अच्छी सेंसरी बिन्स वगैरह बनाती हूँ तो वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह बाद में शेयर करूँगी। कि आज मैंने सोचा कि सब चीज़ों को एक जगह करके बिन्स में रख लेती हूँ, एक तो उसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चों को चीज़ें नज़र नहीं आएंगी तो वो हर वक्त नहीं फिर कहेंगे कि क्या यूज़ करना है क्या चाहिए, और फिर दूसरा ही फ़ायदा होगा कि आप हर चीज़ आपकी एक जगह रखी हुई होगी, आपको जो है वो बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा क्योंकि बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो घूम जाती हैं। आइकिया में बिन्स जो हैं बहुत अच्छे मिलते हैं, इसमें दो तरह की क्वालिटीज़ होती हैं, थोड़ी अच्छी वाली भी होती हैं और दरमियाने साइज़ की भी होती हैं। एक बड़ा बॉक्स मैंने बाय किया था वो इसलिए किया था, इसमें सारी स्टेशनरी मैं रख लूँगी ताकि कोई भी चीज़ जो है मुझे ढूंढनी ना पड़े। इसके अंदर सीजर्स हो गई, ये छोटा सा हमारा वैक्यूम है आर्ट्स का वो हो गया, कोई पेंस हो गई, पुश पेंस हो गई, स्टेपलर वगैरह। ये हो ही रहा था कि जब भी हम कोई काम करने बैठते थे कभी स्टेपलर नहीं मिल रहा, पेंस नहीं मिल रही, कभी कुछ नहीं मिल रहा, तो मैंने सोचा कि सब चीज़ें एक जगह रख लूँ तो बच्चे जो हैं एक एक्टिविटी भी हो गई बच्चों की और साथ साथ जो है मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी हो गई। ये बिन्स जो है ना बड़े मज़े के हैं, एक तो ये कि डीप बहुत हैं, ऊपर ये कि इनका लेड लगा दो तो एक के ऊपर इनको पूरा स्टैक करते जा सकते हैं, आपके पास जितनी स्पेस है उसमें आप स्टैक कर सकते हैं। जहाँ मुझे स्टोर करना था ना वो जगह बहुत ट्रिकी है, वहाँ पे हमारा वाईफाई का वो केबल भी रखी हुई है और जो है वहाँ पे राउटर भी है, तो उनको जो है मूव भी नहीं कहीं कर सकते, सबसे अच्छे सिग्नल्स वहीं आते हैं। तो मैंने परमानेंट तो नहीं लेकिन टेम्प्रेरी सोल्यूशन ये सोचा कि पुशपिन से जो है एटलीस्ट ये है कि तार आउट ऑफ द वे कर, ये है कि मैं जो भी बॉक्सेस वगैरह रखूँगी वो आराम से आ जाएंगे। फ्यूचर में मैं सोच रही हूँ कोई ऐसा प्लान करूँ कि बॉक्सेस को या बिन्स ऐसे मिल जाएं मुझे जिसके अंदर राउटर भी रख सकते हैं और उसमें से प्लग्स वगैरह भी निकल जाएं, तो बहुत ज़्यादा महंगे भी ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ। अच्छा, दो मैंने जो है मैगजीन होल्डर लिए थे, एक तरह के फोल्डर थे और बिल्कुल जो है कार्डबोर्ड वाला टेक्सचर था इनका, तो बस उनको हल्का सा जो है असेंबल करना था। उसके बाद जितने भी स्कूल का पेपर वर्क था जो कि फाइल्स मिलती हैं, फ्राइडे फोल्डर हो गया और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं ना वो मैंने इनमें रख दिए थे। उसके बाद मैंने ये किया था कि जब सारी चीज़ें सेट हो गई थी तो फिर मेरे पास एक छोटा सा मेरा लेबल मेकर है जो कि मैं फ़ोन से कनेक्ट कर लेती हूँ और उसमें ऐप डाउनलोड की हुई है मैंने, तो बस उसमें करना होता है कि आप कोई भी फॉन्ट लिखें जो भी आपने लिखना है और उसको जो है आप प्रिंट कर सकते हैं और जिस तरह भी चेंज करना चाहें टेक्स्ट वो कर सकते हैं। पिंस कुछ इस तरह के हैं, इसमें से नज़र भी कुछ नहीं आता, तो मैंने जानबूझ के ऐसे ही लिए थे ताकि जो है वो एकदम नीट सा लुक आए, और बाकी मैंने सारी चीज़ों को लेबल कर दिया था तो इतना साफ़ सुथरा और जो है ऑर्गेनाइज लुक आ रहा था तो अच्छा लग रहा था। जो लास्ट थोड़े से हैक्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, एक तो ये कि नेशनल का या शान का ये क्विक
जो है हलीम मिलता है, तो ये बाहर ज़्यादातर मिलता है, तो अब मुझे पाकिस्तान का पता नहीं, लेकिन इसमें ये होता है कि ऑलरेडी मसाला होता है, पैकेट होते हैं, आपने बस जो है इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है और इसको फ़ौरन से बना लेना है। वैसे ही क्विक बन जाता है, लेकिन इसको और क्विक करने के लिए मैं ये करती हूँ कि गोश्त को जैसे मैंने डिफ्रोस्ट कर लिया था सुबह ही, तो मैं बना रही हूँ इसको इंस्टेंट पॉट में। इसके अंदर जो पैकेट होते हैं दो मसाले के होते हैं और जो है दो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होते हैं, उसमें सारा गेहूं वगैरह सब पिसा हुआ होता है। आपको बस ये करना होता है प्याज ब्राउन करके, अदरक लहसुन भून के और जो है वो मिक्सचर पूरा इसके अंदर डाल देना होता है। अलग से मैं करती हूँ कि इंस्टेंट पॉट के अंदर तेल गरम करती हूँ, जो गोश्त मैंने लिया होता है वो मैं जो है इसको थोड़ा सा फ्राई करती हूँ और जो मसाले के जो पैकेट हैं वो पूरे डाल देती हूँ। तो अगर ज़्यादा स्पाइसी ना खाना हो तो 1.5 डालें, वरना 2 बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाते हैं। स्टेप जो है आप अलग से जो जैसे आपने पतीली में प्याज ब्राउन की उसके साथ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह जो है आपका टाइम बहुत बचेगा, आधे घंटे में गोश्त गल जाएगा, वरना अगर पतीली में गलाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं हाई प्रेशर पे करती हूँ 35 मिनट्स के लिए, आधे घंटे में रेडी हो जाता है। तो फिर मैं करती हूँ इसको जो है वो रिलीज़ करके, और फिर जो बोटियाँ होती हैं उनको मैं अलग कर देती हूँ और जो सालन होता है उनको अलग कर देती हूँ। यह है कि बोटियाँ जो हैं उनको सेपरेट करके थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, और उसके बाद जो मसाला है वो मैं जो हमने मिक्सचर बनाया था हलीम का उसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ। उससे होता है कि एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, सारा मसाला उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है, और बोटियाँ जो हैं उनको अलग रख लेती हूँ। उसमें जो है लुक वो रेशे वाला आ जाता है, जैसे आप घोटा लगाते हैं तो उससे जो है खुद ही गोश्त गलता है, तो इस तरह जो है वो ज़रा उस तरह का लुक आ जाता है, तो ये ज़्यादा ईजी रहता है। तो ऊपर से फिर मैं इसमें बोटियाँ शामिल कर देती हूँ, और फिर घोटा जो है वो हस्बैंड लगा लेते हैं। एक घंटा इसको पकने देती हूँ, जब अच्छी तरह से थिक हो जाता है तो फिर मैं करती हूँ कि क्योंकि मैं बनाती बहुत ज़्यादा हूँ तो उसके जो है पोर्शन साइज़ कर लेती हूँ, एक को फ्रीज़ कर लेती हूँ और एक को यूज़ कर लेती हूँ। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।